हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्तर काव्य, और ये है स्टैंड अप उत्तराखंड विद काव्य। स्टैंड अप उत्तराखंड, हो स्टैंड अप उत्तराखंड, काव्य के साथ, काव्य के साथ। तो बॉस, क्या तैयारी है इस दफा? हाँ, दिवाली आने को है और चाइनीज प्रोडक्ट तो बाहर के बाहर हो लिए, तो इस बार आप इंतजार करेंगे या वही अपना पुराना तरीका अपनाएंगे? बात ये कर रहा हूं कि आमतौर पे पहले घरों में जब दिवाली आती थी तो ऐपण की पद्धति थी, लोग अपने हाथों से रेड कलर का पेंट, उसके ऊपर से व्हाइट कलर से बड़ा अच्छा लक्ष्मी जी गणेश जी चौखट पे देहली पे हर जगह पे बनाया करते थे। धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट अंदर आए और ये सारी चीजें बाहर हो गई, लेकिन इस बार आपके पास में मौका है कि आप फिर से इसको करें। वैसे आप तो इस बार दिवाली पे करेंगे, कुछ लोग हैं जो साल भर इस कला को, इस पद्धति को, इन चीजों को सजो कर रख रहे हैं और साथ ही आगे भी बढ़ा रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है मीनाक्षी खाती, मीनाकृति। जी हाँ, स्वागत कीजिए एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से आज के लिए जानी जाती हैं मीनाक्षी का। थैंक यू सो मच सर। जी तो यार, आप तो बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। यहाँ ट्विटर पे मैं देखता रहता हूँ अक्सर आपके डिजाइन्स को, लोग मेरे को टैग करते हैं, और इससे पहले भी एक दफे बातचीत हुई थी। तो कैसा महसूस होता है जब इतना सारा प्यार मिल रहा होता है? बहुत अच्छा लगता है सर, जब लोग इस तरीके से अर्पण के अर्पण कला के उससे पहचानते हैं, या फिर इस वक्त हमारा अर्पण कला इतना आगे पहुँच गया तो काफी अच्छा लगता है। राइट, अच्छा शुरुआत कैसे हुई इस चीज को लेके? सर मैं बचपन से ही, जब हमारे अर्पण के बारे में बताऊं तो हमारे कुमाऊं भाग में उत्तराखंड के, तो किसी भी शुभ कार्य के अवसर पे अर्पण को बनाया जाता है, शुभ माना जाता है उस चीज को। तो जब बचपन से ही दादी और मम्मी उस चीज को बनाती थी अर्पण को, कि जिस तरीके से उसे दिवाली के टाइम पे या किसी भी शुभ कार्य के अवसर पे, तो काफी अच्छा लगता था कि किस तरीके से वो लोग जमीन पे गेरू से मिट्टी से लीप रहे हैं उस जगह पे। और तो काफी शौक था उस चीज को, तो मैं भी बचपन में उस तरीके से उसको बनाया करती थी। और फिर उसके बाद चावल के आटे को सिलबट्टे में, जैसे हम लोग पीसते हैं, तो उसको एक दिन पहले से ही भिगा के चावल के आटे को, उसके बाद चावल को भिगा के फिर सिलबट्टे से पीस के, तो उन दिनों तो इतना नहीं था, लेकिन सीखने का था कि किस तरीके से दादी और मम्मी बना रहे, तो उनसे पूछती थी कि किस तरीके से वो उंगलियों से बना रहे। तो बचपन से इस चीज को देखते हुए फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होकर के पूछा कि क्या क्या इससे हम बना, किस अवसर पे हम इसको बना रहे हैं, उसके बाद इस चीज को सीखा और बारीकियों को सीखा कि किस किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने इस तरीके से कि हम अपने कि जैसे अभी मैं इसको जैसे बना रही हूँ अर्पण को, कि किस तरीके से मैं इसको आगे पहुंचा सकूं, इस तरीके से मैं इसमें कार्यरत हूँ। बिल्कुल, आपके पीछे भी मुझे केतली वगैरह नजर आ रही है जिसपे आपने कलाकारियां करी हैं। और मेरे को आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज ये रखी कि आपने एक ट्रेडिशनल जो हमारी चीज चली आ रही थी उसको एक नया लुक देने की। बिकॉज देखिए, अर्पण जब हम घर में करते हैं तो उसके लिए वहां पे फिजिकली होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आप बना रही हैं उसको कोई व्यक्ति कहीं ले जा सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है और अलग अलग तरह से उसको इस्तेमाल में ले सकता है। तो ये जो मीनाकृति का ख्याल आया, ये नाम किसने दिया? बहुत अच्छा है ये। जैसे पहले तो मैं इसको अकेले से जैसे कभी नोटबुक पे बना लिया, जैसे इस तरीके से बनाती थी। उसके बाद ये था कि जब इसकी डिमांड आने लगी कि बाहर शहरों से, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि इसको घर की ढेलियों को या फिर मंदिरों को सजाने के लिए इस तरीके से बनाते हैं मतलब अर्पण को, तो हम उसे कहीं ले जा नहीं सकते वाला होता। तो उसके बाद जब हमने इसमें अलग अलग तरीके के चीजों पे उस चीज को बनाया, कि जैसे नेम प्लेट है, आप पीछे कैटल देख रहे हैं, और भी काफी चीजें हैं जैसे पेंटिंग फॉर्म में, तो इसमें था कि लोगों को जब उन्होंने इस तरीके से इसको देखा तो लोग काफी खुश हुए थे कि पहले तो हम अर्पण को बस देख मतलब ढेलियों तक ही देखते थे, लेकिन अभी हम इसको कहीं लोग जो बाहर जा चुके हैं वहां से वो लोग इस चीज को ऑर्डर करते हैं और काफी खुश होते हैं इस चीज से। तो जब ऐसे ऐसे करके जब डिमांड बढ़ी और जब लोग देखते थे, तो लोगों ने भी कहा कि हमें भी इस चीज से जुड़ना है, कि जिस तरीके से आप बना रही हैं हमें भी ऐसे बनाना है। तो उसके बाद हमने मीनाकृति द अर्पण प्रोजेक्ट नेम से यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें हम लोग सभी साथ मिलके, यहाँ पे की लोकल महिलाएं हैं या फिर बॉयज हैं, लड़कियां हैं आसपास के स्कूलों के, तो सभी लोग हमें से मिलके यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको बनाते हैं और ऑनलाइन वर्कशॉप वगैरह या फिर स्कूलों में एग्जीबिशन या फिर बाहर एग्जीबिशन वगैरह इस तरीके से करते हैं।
जी आपके सामने कुछ चीजें मुझे दिख रही हैं, जरा दिखाइए ना ये क्या है लोगों को। अच्छा हाँ, जैसे ये यहाँ पे हमने कोस्टर में बनाया है इस तरीके से, जी इस बुक मार्क है, या फिर ये पेन स्टैंड, जैसे इसमें मैंने ब्रश रखे हुए हैं, और जी हम इसमें वेस्ट मटेरियल जैसे न्यूज़पेपर के इसको काटे चिपका के, तो इसमें पेन स्टैंड बना, और इसमें इस तरीके से अपन कला को इस तरीके से दिखाया है, और भी और जैसे आप कितना मेरे टाइम पीछे लगता देख है पा रहे इस तरह हैं की चीजों को कैटल बनाने हैं, में? सर टाइम काफी लगता है इसमें, कि जैसे कोई छोटा चीज है जैसे ये बुक मार्क है, तो इसमें कम से कम आधा घंटा या फिर 20 मिनट से इतना लगेगा, जैसे कोई बड़ी चीज पे जैसे आप मेरे सामने पेंटिंग वगैरह भी देख रहे हैं, तो इसमें ट्रेडिशनल डिजाइन वगैरह है, तो इसमें हमें काफी टाइम लगता है। अच्छा, और आपके साथ कितने लोग अभी मिलके आप लोग काम कर रहे हो इसको? अभी 20 लोग हैं हम। 20 लोग हो गए हैं। और आप रामनगर में रहती हैं? हाँ सर, मैं रामनगर से हूँ, रामनगर के छोई अच्छा, गांव से। अब तो आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जो इसके बारे में पूछते होंगे, या जो पहाड़ में भी हाँ इस तरह का कुछ करना चाहते होंगे। किस तरह हाँ के क्वेश्चंस नॉर्मली आपके पास आते हैं और आप उनको कैसे गाइड करती हैं? हाँ जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी मैंने बताया कि हम लोग ऑनलाइन सेशन या फिर वर्कशॉप वगैरह देते हैं, तो हम लोकल तो जैसे स्कूल वगैरह में है तो वर्कशॉप लगाते हैं, लेकिन जो अभी और जगह से भी, अभी उत्तराखंड में और भी काफी लोग इस चीज से जैसे जुड़ रहे हैं, कि रोजगार के माध्यम से भी मतलब जुड़ रहे हैं इससे, तो हम उनको इसी तरीके से जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जूम वगैरह पे लाइव सेशन इस तरीके से करा करके, कि हम किस तरीके से इसमें बना सकते हैं या फिर और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस तरीके से हम उनको गाइड करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है और आपने देखा ही होगा, हमारे पहाड़ से तमाम सारे लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर जाते हैं, और ये लॉकडाउन और जब ये कोविड की चीजें हुई तो तमाम सारे लोग वापस आए। बहुत लोगों ने अपने आसपास इस तरह की चीजों को करने की कोशिश करी, उन्हें लगा कि हाँ कुछ यहाँ पर भी हो सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई इस तरह का मैसेज अगर आपको देना हो, या आपको क्या लगता है कि पहाड़ में कितना पोटेंशियल है इस तरह की छोटी छोटी चीजों में? आई थिंक हमने इन चीजों को, हम इस्तेमाल सब करते हैं, लेकिन एक बिजनेस मॉडल के तौर पे बहुत कम लोगों ने इसको देखा, और आपने देखा, वो अपने आप में अच्छी चीज है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा जो हाँ, बडिंग ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए? यही कि अगर हम किसी भी चीज को कर रहे हैं, तो पहले तो उसको करने के लिए, हम पहाड़ों में अगर कोई चीज करने की बात करें तो टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, कि हम खेती की बात करें या फिर किसी भी बिजनेस के लिए करें तो कुछ टाइम उसको दें, और किस तरीके से इसमें हम क्या क्या फायदा, क्योंकि अगर हम कोई खेती भी करते हैं तो कुछ थोड़ा टाइम, उसे 6 महीने इतना लगेगा कि उसको हम कोई चीज निकल के आए, और बिजनेस वगैरह की बात करें तो उसमें भी यही चीजें हैं, कि पहले उस चीज के बारे में सारी चीजें पता करना, जैसे कि मैं अपन की फील्ड में कर रही हूँ, तो लोगों से, पुराने लोगों से पूछना, जो इन लोगों ने एक्चुअल में उस चीज को क्योंकि वो किया, तो उन लोगों से पूछे कि किस तरीके से वो तब था या फिर अभी है, तो काफी चीजें उसी चीज इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई रहती है, और इस तरीके से हम अपना समय उसको दे करके छोटी छोटी चीजों पे, मतलब काफी चीजें हमारे आसपास में, हमारे उत्तराखंड क्राफ्ट के लिए भी काफी फेमस है, अभी मैं चमोली साइड से रिंगाल का देख रही थी, तो काफी जी अट्रैक्टिव चीजें उन्हें क्राफ्ट से बनाई हुई हैं, तो काफी लोग उस चीज से रोजगार से जुड़ गए हैं, और भी पहाड़ों में अभी कीवी को लेकर भी देखा था कि फसल के उसमें भी, या फिर जी सब्जियां उगाने, तो काफी चीजें हैं हमारे आसपास, बस हमें थोड़ा उन्हीं चीजों पे फोकस करके, कि थोड़ा हम उसको अपना समय दें, और किस तरीके से हम उसमें अपना कम टाइम में फायदा निकाल सकें, इस तरीके से हमें देखना होगा। राइट सो मीनाक्षी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगली दफे जब अगर उस तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे विजिट करेंगे, समझेंगे किस तरह से ये हाँ सब सर, कुछ यस। आप कर रही हैं। और ये हमारा भी एक छोटा सा मेरा पर्सनल इनिशिएटिव है जिसका नाम हमने रखा है स्टैंड अप उत्तराखंड, सो दैट कि आप खड़े हों अपने मजबूत, जैसे पहाड़ वालों के कंधे मजबूत होते हैं वैसे ही पैरों पे भी मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, और इसीलिए हमने इसका नाम स्टैंड अप उत्तराखंड रखा है। क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं लोग स्टैंड अप उत्तराखंड के माध्यम से? पहले तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, और लोगों से ये कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे सच्ची लगन से करें, तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ में नहीं हो सकता है, बस हमें मतलब जरूरत है कि हम उस चीज की ओर पूरा ध्यान देना, उसे सच्ची लगन से करें।